अभी हमने फंजाई के में विभिन्न मेथड्स रिप्रोडक्शन के देखे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हम अब देखने जा रहे हैं कि उसके अलावा भी इन जो कॉमन मेथड्स रिप्रोडक्शन के हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई में है, उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स इसमें बनते हैं जो कि रिप्रोडक्शन में बहुत मदद करते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और रिप्रोडक्शन के साथ साथ हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देखेंगे जो कि फंजाई में फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में हमें दिखाई पड़ते हैं, चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। कभी कभी हमें देखने को मिलता है कि हाइफा में हमें जिस समय रिप्रोडक्शन होता है उस समय कुछ फ्रूटिंग बॉडीज दिखाई पड़ती हैं। वो कौन सी फ्रूटिंग बॉडीज हैं, वो कैसे बन जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये डायग्राम के माध्यम से आपको ये मैं दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने देखा था कि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फंजाई में कई मेथड से होता है जिनके बारे में आपको मालूम है कि फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग, ओइडिया, क्लेमाइडोस्पोर्स, ये सबसे कॉमन मेथड्स रिप्रोडक्शन के हैं। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स फंजाई में बनते हैं जैसे स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ। इनको हमने जब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम फंजाई का देख रहे थे उस समय इन दोनों स्क्लेरोशिया और राइजोमॉर्फ का जिक्र हुआ था जो कि स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स हैं हाइफी के। स्क्लेरोशिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कभी कभी अचानक इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से ये हार्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, डार्क कलर की बॉडीज बन जाती हैं। और इनका काम क्या होता है कि ये पूरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस जब तक अनफेवरेबल रहेंगी ये स्क्लेरोशिया इसी हालत में पड़े रहते हैं। और इनको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के साथ भी क्यों रखते हैं, क्योंकि स्क्लेरोशिया का रोल ये भी है कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस सूटेबल होंगी हर स्क्लेरोशियम जर्मिनेट करके फिर नया हाइफा बना देता है। तो ये एक तरह का मॉडिफिकेशन भी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, साथ ही साथ ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड भी है। राइजोमॉर्फ वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कभी कभी कई सारे हाइफी आपस में जुड़ के इस तरह से इंटेंगल हो जाते हैं कि वो एक रोप का सा स्ट्रक्चर शो करते हैं, रस्सी की तरह से। और ये रस्सी की तरह से जो स्ट्रक्चर है ये बहुत हार्ड और रेजिस्टेंट होता है और इसी फॉर्म में फंगस सर्वाइव करता है। और ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस ये राइजोमॉर्फ फिर से जर्मिनेट करके फिर से नया हाइफा का नेटवर्क बना देते हैं। ये फ्रेगमेंटेशन का डायग्राम है जिसमें आप क्लियरली देख रहे हैं कि जब एक हाइफा में फ्रेगमेंटेशन होता है तो जो उसकी एंड वॉल्स हैं वो अंदर की तरफ उनकी ग्रोथ हो जाती है और ये ग्रोथ जो है, ग्रोथ रिंग जो है, ये साइज में बड़ी होती जाती है। और ये जब इन ग्रोथ इनलार्ज होती जाती है, इनलार्ज होने के बाद जो फिलामेंट है वो इसके इनलार्जमेंट की वजह से ब्रेक हो जाता है और फिर से नया हाइफा बना देता है और उस पेरेंट हाइफा से सेपरेट हो जाता है। तो ये डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाई पड़ रहा है कि क्या तरीका है जिसकी वजह से एक हाइफा फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से अलग हो जाता है। दूसरा ये डायग्राम शो कर रहा है कि रिप्रोडक्शन फिशन की तरह से होता है, तो ये यीस्ट का एग्जाम्पल देके आपको दिखाया जा रहा है कि एक यीस्ट की सेल है जो कि जिसकी जिसमें कि सेल वॉल है और जिस समय फिशन की प्रोसेस होती है ये सेल पूरा इलोंगेट कर जाती है। इलोंगेशन के साथ साथ इसका न्यूक्लियस भी इलोंगेट करता है और फाइनली इसमें एक नॉच सी वाले डायग्राम में आप देख रहे हैं कि नॉच डेवलप हो रही है और ये नॉच ज़्यादा ग्रो करके इस सेल को दो में डिवाइड कर देती है। तो ये हमेशा मदद करते हैं एक सेल से दो सेल, दो से चार सेल। और इसी तरह के तरीके से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द्वारा फिशन की मेथड से नंबर
सेल का बढ़ाने में मदद करते हैं। ये बडिंग की प्रोसेस है, यीस्ट का एग्जांपल देखें जिसमें आप देख रहे हैं येलो वाले डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी बड सेल से निकल रही है और इस ये बड धीरे धीरे एनलार्ज करती है और साथ में जो उसका ओरिजिनल सेल का जो न्यूक्लियस है वो भी लार्ज होता है और लार्ज होने के बाद वो दो में डिवाइड हो जाता है जिसमें से एक पोर्शन उसका इस बड के अंदर चला जाता है और अल्टीमेटली ये बड एक बिल्कुल सेपरेट डॉटर सेल बन जाती है। ये डॉटर सेल बनने के बाद कभी कभी यीस्ट के एग्जांपल में क्या होता है कि ये बड जो है ये फिर से अपनी ही जैसी कई सारी सेल्स बनाती हैं और ये प्रोसेस रिपीट होती रहती है जिससे कि एक स्यूडोमाइसिलियम बन जाता है। ये डायग्राम सैकरोमाइसिस में बहुत का एग्जांपल में एग्जांपल से आपको बहुत क्लियर होगा कि किस तरह से बड फॉर्मेशन है, किस तरह से स्यूडोमाइसिलियम इसमें बन जाता है। तीसरा एग्जांपल है ओइडिया का। ओइडिया हमेशा कई सारे फंजाई में जैसे एस्कोबोलस का एग्जांपल देखिए आपको ओइडिया और आर्थ्रोस्पोर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें एक मेन हाइफा है जिसके टिप से कई सारे स्मॉल सेगमेंट्स राउंड होके बाहर निकल रहे हैं एक के बाद एक और ये जो हाइफा से राउंड स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनको हम ओइडिया कहते हैं। ओइडिया जर्मिनेट करके फिर से मदद करते हैं नए हाइफा बनाने में। साथ में एस्कोबोलस के केस में आप देख रहे हैं जो ओइडिया जिनको हम आर्थ्रोस्पोर्स भी कहते हैं उनका शेप थोड़ा फर्क है, वो सेगमेंट्स की तरह से ही हैं और ये आर्थ्रोस्पोर्स जब एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो नया हाइफा बनाने में मदद करते हैं और ये मेथड एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कई सारे फंजाई में देखने को मिलता है। ये एग्जांपल है क्लैमाइडोस्पोर्स का। क्लैमाइडोस्पोर्स के ये पिक्चर्स हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि क्लैमाइडोस्पोर्स इंटरकैलरी और टर्मिनल क्लैमाइडोस्पोर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। डार्क कलर के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेंटर में हाइफा के सेंटर में थिक वॉल सेगमेंट्स बन जाने की वजह से और उसमें काफ़ी सारा रिजर्व मटेरियल इकट्ठा हो जाने की वजह से बन जाते हैं और ये क्लैमाइडोस्पोर्स इसी तरह से हाइफा में पड़े रहते हैं। जब बाकी हाइफा या बाकी माइसीलियम डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है तो ये सॉइल में गिर जाते हैं। ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो हर क्लैमाइडोस्पोर जर्मिनेट करके नया हाइफा बनाता है। तो ये मदद करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ये पिक्चर्स भी आपको ये बताएंगी कि किस तरह से इंटरकैलरी और टर्मिनल क्लैमाइडोस्पोर्स नेचर में फंजाई में बनते हैं और कैसे वो फिर से नया हाइफा बना देते हैं। ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है, इसमें जो हाइफी आप देख रहे हैं मेन हाइफी जो येलो से दिखाए हैं उसके अलावा आपको छोटे छोटे पतले हाइफी दिखाई पड़ रहे हैं। ये क्या है? ये सॉइल का में माइसीलियम है और कई सारे माइसीलिया आपस में एक दूसरे से जुड़ के रस्सी की तरह से, रोप की तरह से स्ट्रक्चर्स बना देते हैं और ये रोप की तरह से स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं वो आपको ब्लैक कलर से दूसरी पिक्चर में भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बड़े रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें इन्वायरमेंटल कंडीशंस का असर बहुत आसानी से नहीं पड़ता है, जबकि पूरा माइसीलियम डेलिकेट है और वो ख़त्म हो जाता है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, डैमेज हो जाता है, फिर भी ये स्क्लेरोशिया एंड राइजोमॉर्फ जिंदा रहते हैं। ऊपर वाले जो डायग्राम है उसमें आप देख रहे हैं दे आर द स्क्लेरोशिया। स्क्लेरोशिया हार्ड टफ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पेरिनेशन का भी काम करते हैं और रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। अगर 5 स्क्लेरोशिया एक फंगस के हाइफा से बने हैं तो 5 नए हाइफी ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस में बन जाएंगे। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहले हमने डिस्कस किया था कि ये स्पोर्स से होता है, मोटाइल स्पोर्स, जूस्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स या तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं या कोनिडिया हैं। डायग्राम के हिसाब से आप देखेंगे तो पीथियम एक
फंगस है, लोअर फंजाई का मेंबर है। इस पीथियम में आप देख रहे हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत क्लियर जूस्पोर्स से दिखाई पड़ रहा है। इसमें वेजिटेटिव हाइफा एक जूस्पोरेंजियम बनाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। जूस्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं या प्रोटोप्लाज्म होते हैं, दे डिवाइड एंड रीडिवाइड, और इस रीडिविजन से कई सारे पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है और अल्टीमेटली हर पार्ट इसका कन्वर्ट हो जाता है एक जूस्पोर में। और ये जूस्पोर जब लिबरेट होते हैं तो जो इसकी वॉल है, इनर वॉल है, वो एक वेसिकल के फॉर्म में बाहर निकल आती है। बाहर निकलने के बाद आपको दूसरा एक वेसिकल वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। एक तो जूस्पोरेंजियम है, एक वेसिकल दिखाई पड़ रहा है। वेसिकल के अंदर ये जूस्पोर्स आ जाते हैं और जूस्पोर्स बाहर निकलने के बाद एंसिस्टेड होके इनके फ्लैजेला धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, राउंड होके फिर से नया हाइफी बना देते हैं। तो ये मेथड इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जूस्पोर्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। पीथियम का एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जो जूस्पोर्स हैं ये बाईफ्लैजिलेटेड हैं। इसमें एक फ्लैजलम टिंसल टाइप का है, एक विप्लैश टाइप का है, और बाद में जर्मिनेशन के टाइम में इनके फ्लैजला ख़त्म हो जाते हैं, ये राउंड शेप में आ जाते हैं और जर्मिनेट होके जर्म ट्यूब के द्वारा ये फिर से सोमेटिक हाइफी बना देते हैं। कोनिडिया के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोनिडिया आप देख रहे हैं कि कोनिडियो 4 के ऊपर कोनिडिया बनते हैं। किसी किसी केस में ये वेसिकल के ऊपर स्टेरिगमेटा डेवलप होता है, उसके ऊपर चेन ऑफ कोनिडिया होते हैं। कभी कभी ये कोनिडियो 4 के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मैटुली डेवलप होते हैं, मैटुली के ऊपर स्टेरिगमेटा डेवलप होते हैं, उसके ऊपर कोनिडिया डेवलप होते हैं। ये दिखाने का तात्पर्य यह है कि कोनिडिया कई तरीके से फंजाई में बनते हैं, जिनके जो या तो चेन में होंगे या वेसिकल के ऊपर स्टेरिगमेटा में होंगे या एक झुंड में प्रोड्यूस होते हैं। और ये एसेक्सुअल साइकिल इसका का डायग्राम आपको कोनिडिया का दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से कोनिडिया इसमें डेवलप हो रहे हैं। स्पोरेंजियोस्पोर्स का जो डायग्राम है, ये म्यूकर और राइजोपस के केस में यही डायग्राम से आप शो कर सकते हैं कि किस तरह से वेजिटेटिव हाइफा, जो कि सिनोसिटिक है एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस तरह से इरेक्ट हाइफी बनाता है। इरेक्ट हाइफी के टिप सोलन कर जाती है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होने के बाद उसमें एक पार्टीशन हो जाता है पूरे सोलन पार्ट में, जिसको हम कॉल्यूमेला कहते हैं। कॉल्यूमेला से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अपर पार्ट में जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड और रीडिवाइड होके कई सारे स्पोर्स बनाते हैं, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, और इस राउंड स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम से जो स्पोर्स निकलेंगे, ये स्पोर्स जर्मिनेट करके फिर से हाइफी बनाते हैं। और ये हाइफी अलग अलग स्ट्रेन के, एक अगर हाइफा ने कोनिडिया स्पोरेंजियो स्पोर्स बनाए तो वो एक तरह के हाइफी बनाते हैं, दूसरे हाइफा अगर बनाता है तो वो दूसरे तरह का हाइफा बनाएगा, और ये हाइफी अल्टीमेटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं बाय गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट फंजाई का ये भी है कि हमेशा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो कोनिडिया हों या स्पोरेंजिया हों, ये सिंगली भी प्रोड्यूस होते हैं, चेन्स में भी प्रोड्यूस होते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ फंजाई में आफ्टर मेच्योरिटी आपको हाइफी के ऊपर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर सिचुएटेड कोनिडिया होते हैं। तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स 3-4 तरह के हैं। सबसे पहले पिकनीडिया वो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि जिसमें कि हमें एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके बेस से कई सारे कोनिडियो फोर्स दिखाई पड़ते हैं। और ये संकन स्ट्रक्चर है जो जिसके टिप में हमें कोनिडिया, नॉन मोटाइल कोनिडिया लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर एक फ्रक्टिफिकेशन या फ्रूटिंग बॉडी के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, जिसको हम पिकनीडियम कहते हैं। पिकनीडियम फ्लास्क शेप्ड बॉडी है।
इसके कंट्रास्ट में कुछ दूसरे फंजाई में फ्लास्क शेप्ड नहीं होके डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर या सॉसर शेप्ड स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी दिखाई पड़ती है, जिसको हम एसर्बुलस कहते हैं। एसर्बुलस में शॉर्ट कोनिडियोफोर्स एक साथ झुंड में दिखाई पड़ते हैं, जिसके टिप में कोनिडिया लगे होते हैं। तो अगर इस तरह की फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो एसर्बुलस हैं या पिकनीडिया हैं। पिकनीडिया में लॉन्ग कोनिडियोफोर्स होंगे, उनके टिप में कोनिडिया लगे हुए दिखाई पड़ेंगे। एसर्बुलस में आपको शॉर्ट कोनिडियोफोर और सॉसर शेप्ड ये फ्रूटिंग बॉडी दिखाई पड़ती है। इसके अलावा दो और तरह की फ्रूटिंग बॉडीज हैं, एक को हम कहते हैं स्पोरोडोकियम और इसके बाद है सिनेमेटा। स्पोरोडोकियम टाइप की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसमें कभी कभी क्या होता है कि कई सारे कोनिडियोफोर्स दे गैदर टुगेदर, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और एक कुशन की तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसकी टिप में कोनिडिया लगे हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं इस डायग्राम में। तो इस कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको स्पोरोडोकिया कहते हैं। ये सारे के सारे फंजाई में ये हो, ये ज़रूरी नहीं है। किसी किसी फंजाई में स्पोरोडोकिया होते हैं और किसी में पिकनीडिया होते हैं, किसी में एसर्बुलस होता है और एक लास्ट है सिनेमेटा या सिनेमा। इसमें क्या होता है कि सारे कोनिडियोफोर्स एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और इनका टर्मिनल पार्ट खुला हुआ रहता है। तो सारे जब बिल्कुल ब्रूम की तरह से, जैसे आप झाड़ू को देखते हैं कि नीचे का पार्ट सब जुड़ा हुआ होता है, ऊपर से झाड़ू की सीखें अलग अलग होती हैं, उसी तरह से अगर स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी का बन जाता है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती हैं और टर्मिनल पोर्शन कोनिडिया के फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट रहता है, तो ऐसी फ्रूटिंग बॉडी को, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी को हम सिनेमेटा कहते हैं। अब हम देख रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के चार मेथड्स, इनको डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे। चार मेथड्स या पांच मेथड्स जो हैं, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, स्पर्मेटाइजेशन एंड सोमेटोगेमी। ये पहला वाला डायग्राम जो है ये लोअर फंजाई में आपको दिखाया हुआ है कि किस तरह से आइसोगेमी में दोनों फ्यूजिंग गेमिट्स एक दूसरे से बिल्कुल शेप और साइज में एक से होते हैं और एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और इसमें प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी होती है। एनाइसोगेमी में एक फ्यूजिंग गेमिट बड़ा है, एक फ्यूजिंग गेमिट छोटा है और इनमें आपस में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी हो जाती है और डिप्लॉइड कंडीशन हो जाती है। ओगेमी में आप देख रहे हैं कि एक स्पर्म है, मेल स्ट्रक्चर है, मोटाइल है और जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो ओगोनियम के फॉर्म में है, जिसमें कि एग होगा। तो स्पर्म जो है या मेल स्ट्रक्चर है वो ओगोनियम के पास आता है और उनमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के थ्रू रिप्रोडक्शन हो जाता है और डिप्लॉइड कंडीशन डेवलप हो जाती है। सेकंड है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट पीथियम का एग्जाम्पल देके आपको शो किया हुआ है इस डायग्राम में। पीथियम के केस में प्रॉपर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स बनते हैं। मेल स्ट्रक्चर जो है ये एंथ्रिडियम कहलाता है और जो फीमेल स्ट्रक्चर है वो ओगोनियम कहलाता है। जो मेल स्ट्रक्चर है वो एक तरह की फर्टिलाइजेशन ट्यूब डेवलप करता है, वो ट्यूब फीमेल स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट करके चली जाती है और वो न्यूक्लियस के पास पहुंच के उस न्यूक्लियस को रिसीव करती है। इस तरह से एक रिसेप्टिव ऑर्गन का काम करती है और इस तरह के मेथड को हम गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कहते हैं। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट कई सारे और फंजाई में भी देखने को मिलता है, जनरली लोअर फंजाई में। गैमेटेंजियल कॉपुलेशन का एग्जाम्पल म्यूकर और राइजोपस के एग्जाम्पल से आपको दिखाया जा रहा है। दो ब्रांच्ड फिलामेंट्स हाइफी के एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं और ये पहले प्रोगैमेटेंजिया बनाते हैं। प्रोगैमेटेंजिया सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। बेसल सेल को हम सस्पेंसर सेल कहते हैं और ऊपर वाली सेल को हम गैमेटेंजिया कहते हैं, जो प्लस और माइनस स्ट्रेन के होते हैं, यानी कि एक मेल की तरह से एक्ट करता है, एक फीमेल की तरह से एक्ट करता है। अल्टीमेटली इसमें प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद
यही स्ट्रक्चर डिप्लॉइड बन जाता है और फिर इसमें मियोसिस होके फाइनली ये साइकिल रिपीट होता है। स्पर्मेटाइजेशन का एग्जांपल आप देख रहे हैं कि रिसेप्टिव हाइफी जो होते हैं ये स्पर्मेशिया को रिसीव करते हैं। स्पर्मेशिया, जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ हाइफी स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको स्पर्मेशिया हम कहते हैं। ये स्पर्मेशिया फीमेल स्ट्रक्चर के ऊपर अटैच हो जाते हैं और फाइनली उसकी वॉल डिजॉल्व होके जो मेल न्यूक्लियस है उसको ट्रांसफर कर देते हैं फीमेल रिसेप्टिव हाइफा में, और इस तरह से इसमें स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस होती है। स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी होने के बाद कई तरह से स्पर्मेशियो स्पोर्स अरेंजमेंट इनका डिफरेंट होता है। किसी में चेन के फॉर्म में होता है, कई बार ये स्पर्मेशिया जो होते हैं ये एक ग्रुप के फॉर्म में अटैच रहते हैं, और फीमेल स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइकोगाइन, आप देख रहे हैं इसमें कि ट्राइकोगाइन रिसीविंग ऑर्गन है जो कि स्पर्मेटाइजेशन की प्रोसेस में स्पर्मेशिया को रिसीव करता है और फाइनली इससे रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज द डायग्राम जो कि शो कर रहा है सोमेटोगेमी को। सोमेटोगेमी मैंने जैसे आपको बताया कि हाईली इवॉल्व फंजाई जो हैं उनमें कोई सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, दो तरह के जो हाइफी हैं मेटिंग टाइप्स वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं और एक का न्यूक्लियस दूसरे में ट्रांसफर हो जाता है और फाइनली पूरा का पूरा माइसीलियम डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन जाता है जिसमें दोनों एग्जिस्टिंग न्यूक्लियाई जो हैं वो अलग अलग हाइफी से आए हुए हैं। इसमें आप देख रहे हैं डायग्राम्स में कि ये अलग अलग हाइफी से आए हुए डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस से न्यूक्लियाई है, और ये न्यूक्लियाई आने के बाद इसमें जो इनका फ्यूजन है वो काफ़ी देर तक नहीं हो पाता, ये डाइकैरियोटिक स्टेज में ही रहते हैं और फाइनली इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनते हैं और कैरियोगेमी इज डिलेड इन हायर फंजाई। इसके बाद हम देख रहे हैं कि सारे के सारे फंजाई में ये फ्रूटिंग बॉडीज बने ज़रूरी नहीं है, कुछ में सिर्फ नेकेड एसआई भी बनते हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको हमेशा हायर फंजाई में दिखेंगे, मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। उस इस केस में आपको ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऐसे देखने को मिलते हैं कि कभी कभी आप देखते हैं कि बाहर से वेजिटेटिव राउंड स्ट्रक्चर है लेकिन उसके अंदर उसको टीज करने के बाद अब अंदर से आप डिसेक्ट करेंगे तो आपको उसके अंदर एसआई दिखाई पड़ेंगे। एसआई एक ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स के का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये जो एसआई हैं या एस्कस जिसको हम सिंगुलर में कहते हैं इसके अंदर एस्को स्पोर्स होते हैं, तो कभी ये बिल्कुल क्लोज्ड स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं जिसको जो कि डिसइंटीग्रेट होता है तभी ये एसआई रिलीज होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्लिस्टोथीशियम कहते हैं। कुछ और फंजाई में नेकेड एसआई भी होते हैं जिसमें कि कोई फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती बल्कि एसआई बिना किसी कवरिंग के होते हैं, तो ऐसे भी हेमी एस्कोमाइसिटीज के मेंबर्स में आपको नेकेड एसआई मिलेंगे। क्लिस्टोथीशिया के अलावा दो तरह के और फ्रूटिंग बॉडीज हैं, एक तो हैं पेरिथीशिया, पेरिथीशियम सिंगुलर नाम है, और पेरिथीशियम में फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर आपको फ्रूटिंग बॉडी का दिखेगा। इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको बेस, इस फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर के बेस में आपको सेक्स ऑर्गन्स या एसआई लगे हुए दिखाई देते हैं, एसआई के अंदर एस्को स्पोर्स होते हैं। उसके बाद जो सबसे एडवांस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी है जो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में आपको देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं एपोथीशियम। एपोथीशियम बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है जो कि एक सॉसर या डिस्क की तरह से स्ट्रक्चर है। जब आप किसी मशरूम को देखते हैं, मशरूम के केस में आपने देखा होगा जो बाहर आपको पार्ट दिखता है, काफ़ी अट्रैक्टिव पार्ट दिखता है, जिस पार्ट को हम खाते हैं वो एक तरह का एपोथीशियम है। उसको अगर हम टीज करें तो उसके अंदर हमें एपोथीशियम के अंदर हमें एक डिस्क शेप
बॉडी दिखाई पड़ती है जिसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस आपको दिखाई पड़ती हैं। इस डायग्राम में आपको दिखाई पड़ रहा है कि एपोथीशियम में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर SI दिख रहे हैं और हर एस्कस के बीच में स्टेराइल फिलामेंट्स हैं जो कि एस्कोस्पोर्स के रिलीज में मदद करते हैं। ये एस्कस और एस्कोस्पोर्स की बात हम कर रहे हैं, ये बड़े स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स और स्पोर्स हैं फंजाई में। एस्कोमाइसिटीज के केस में आपको एस्कस एक बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा और जब डाइकैरियोटाइजेशन हो जाता है तो उसमें जो दो न्यूक्लियाई होते हैं वो दो न्यूक्लियाई बहुत देर में आपस में फ्यूज करते हैं और जिस सेल के अंदर फ्यूज करते हैं वो सेल साइज में बड़ी हो जाती है और एस्कस बना देती है जिसमें कि ये न्यूक्लियस जो है डिप्लॉयड न्यूक्लियस है ये मियोसिस से चार में डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली ये चार न्यूक्लियाई फिर फर्दर डिवीजन से आठ में डिवाइड हो जाते हैं और ये आठ न्यूक्लियाई कुछ प्रोटोप्लाज्म लेके एस्कोस्पोर्स बनाते हैं। आठ एस्कोस्पोर्स बन जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं एस्कोस्पोर्स उस पूरे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर को हम एस्कस कहते हैं और इन स्पोर्स को हम एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एस्कोमाइसिटीज का जो कि हायर फंजाई हैं। ये बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बेसिडियोमाइसिटीज का। बेसिडियोमाइसिटीज में हमेशा एक्सोजीनसली प्रोड्यूस्ड जो कि बाहर की तरफ से लगे हुए बेसिडियोस्पोर्स होते हैं जबकि एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो हमेशा एस्कस के अंदर होते हैं। बेसिडियम एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्टेरिग्मेटा होते हैं। स्टेरिग्मेटा के ऊपर बेसिडियोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स कभी भी एंडोजिनस नहीं होते, ये एक्सोजिनस होते हैं और कई सारे ऐसे फंजाई हैं जिनका एग्जाम्पल है जिसमें आपको बेसिडियोस्पोर्स देखने को मिलेंगे। ये पिकनीडियम एंड पिकनीडियोस्पोर्स के डायग्राम्स हैं जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा है कि पिकनीडिया एक फ्रूटिंग बॉडी आपको दिख रही है और पिकनीडियम जो है इसके अंदर हाइफी अंदर लगे हुए हैं और ये जो डायग्राम है ये पूरा थैलस के अंदर एक डीपली सीटेड स्ट्रक्चर है जो कि पिकनीडियम के फॉर्म में फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ और स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हमें फंजाई में देखने को मिलते हैं सेक्सुअल स्टेजेस में। पहला उसमें है एशियम एंड एशियोस्पोर्स। पक्सिनिया एक फंगस है जिसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। उस पक्सिनिया के केस में एक तरह के स्पोर्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं एशियोस्पोर्स जिसमें कि दो न्यूक्लियाई हर स्पोर के अंदर दो न्यूक्लियाई होते हैं और ये लीफ में हमेशा लोअर साइड में ये एशियम एक बड़ा स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसमें चेन्स में एशियोस्पोर्स लगे हुए होते हैं। एशियोस्पोर्स के अलावा स्पर्मेशिया एक बड़ा स्ट्रक्चर स्पेशल स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर स्पर्मेशियोस्पोर्स दिखाई पड़ते हैं। ये पक्सिनिया के ही केस में इसका बेस्ट एग्जांपल है जिसमें कि स्पर्मेशियोस्पोर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। ये दूसरा डायग्राम जो है इसमें आप देख रहे हैं स्पर्मेशियोस्पोर्स दिख रहे हैं, पैराफाइसिस दिख रहे हैं और अल्टीमेटली इसके टिप में आपको स्पर्मेशियोस्पोर्स दिखाई पड़ेंगे। पिकनीडियम और पिकनीडियोस्पोर्स का एक डायग्राम ये पर्पल कलर में आपको और दिखाया जा रहा है।